नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी के पी न्यूटन में स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था क्लास टेंथ का जो विज्ञान का पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर का नाम क्या था? रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, राइट। तो देखिएगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं या बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं, कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हमें ये पहचानना है कि कौन हमारी रासायनिक परिवर्तन होगा, कौन भौतिक। तो देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बता दें, दूध से दही बनना और क्या नाम, लोहे में जंग लगना और क्या नाम, बर्फ़ से पानी बनना या पानी से बर्फ़ बनना, इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं, इसमें पहचानना है कौन हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कौन भौतिक अभिक्रियाएं। तो मैंने पिछले वाले वीडियो बताया था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें क्या होता है, क्रिया होने के बाद नया एक पदार्थ बनता है और इस नए पदार्थ के गुण भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे दूध से दही बन गया, तो दही एक नया पदार्थ बन गया और जो बना है पदार्थ, उसके गुण जो हैं, पहले वाले जो पदार्थ था, दूध था, दूध से गुण जो हैं अलग हैं, राइट। जैसे दूध हमारा मीठा होता है और जो हमारा दूध से दही जब बनता है, तो दही कैसा होता है, खट्टा होता है, तो उसके गुण बदल गए। इसका मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं कि नया पदार्थ बनता है और उसके गुण भी अलग होते हैं। तो देखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कि जब क्रिया होने पर, क्रिया होने के बाद एक नया पदार्थ बनता है और नए पदार्थ के गुण भी अलग होते हैं। तो इस तरह की अभिक्रियाएं जो हैं हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसी तरह से जैसे कि लोहे में जंग लगती है, तो लोहे में जब जंग लगती है, तो लोहा जो होता है, इसका सिंबल Fe होता है, ये हमारे क्या होता है, नमी और वायु से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। फेरिक ऑक्साइड को ही हम बोलते हैं जंग लगना। तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड के गुण क्या हैं, लोहे से अलग हैं। तो इस तरह से जो परिवर्तन है या रासायनिक अभिक्रियाएं, इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, राइट। इसी तरह से बहुत सारी और भी होती है, भोजन का पाचन होता है, हम लोग जानते हैं ग्लूकोज जो होता है, तो ग्लूकोज जो टूटता है, हम खाना खाते हैं तो भोजन में हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो ग्लूकोज मिलता है और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके, ऑक्सीडाइज होकर के, ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनता है और इसी के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा मिलती है। तो कहने का मतलब ऊर्जा यहाँ पर, राइट, ऊर्जा मिलती है। तो हम ग्लूकोज, हमारा ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो क्या देता है, ऊर्जा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्लूकोज है हमारा, एक अलग पदार्थ है, क्रिया होने पर एक नया पदार्थ बन गया, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनके क्या होते हैं, एक नया पदार्थ बनता है, उसके गुण अलग होने चाहिए। अच्छा, कैसे होगा, भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रियाएं क्या है? देखिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसमें क्या होता है, अवस्था बदल सकती है पदार्थ की। ठोस होगा तो द्रव में बदल सकता है या द्रव होगा तो गैस में बदलेगा, अवस्था परिवर्तित हो सकती है, बस उसके नए गुण, उसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह की अभिक्रियाएं जो होती हैं भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कि देखिएगा, हमारा जैसे पानी है, उसको हमने ठंडा कर दिया तो बर्फ़ में बदल गया, तो बर्फ़ उसकी अवस्था बदल गई, पानी हमारा द्रव था और बर्फ़ क्या बन गई, ठोस बन गई, अवस्था तो बदल गई बट कोई नए पदार्थ नहीं बना और ना ही उसके गुण बदले, जो पानी के गुण थे वही हमारे बर्फ़ के गुण। तो यहाँ पर क्या है, कोई नया पदार्थ नहीं बना और ना ही उसके गुणों में परिवर्तन हुआ। तो इस तरह की जो परिवर्तन हैं ये हमारे क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, राइट। लेकिन हम लोग देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ देख रहे हैं, तो मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब भी होती हैं तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उनमें परिवर्तन होते हैं, मैंने बताया था कि ताप में परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है और उसके क्या नाम है, क्या नाम, उसके रंग में परिवर्तन होता है। तो इस तरह के रंग में परिवर्तन का मतलब है कि जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल हम बताते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, KMnO4 होता है, इसके जली विलयन में क्या करते हैं हम लोग, सिट्रिक अम्ल मिला दें, सिट्रिक अम्ल या मिला दें या नींबू को रस निचोड़ दें, तो इसका रंग जो होता है गुलाबी होता है, गुलाबी रंग जो होता है, जब इसके विलयन में हम लोग सिट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो सिट्रिक अम्ल मिलाने पर क्या हो जाता है, सिट्रिक अम्ल जब मिलाते हैं तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है ये रंग गायब हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जब भी होती हैं तो क्या हो सकता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होने पर उनमें रंग में परिवर्तन होते हैं, राइट। ताप में भी परिवर्तन होता है, कैसे होता है देखिएगा, ताप में परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा,
यहाँ पर जैसे कि हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझे हुए चूने को जब हम क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं, पानी का जो फॉर्मूला होता है H2 होता है, तो जब पानी मिलाते हैं तो हमने देखा है कि क्या होता है, जब चूने को पानी में मिलाते हैं तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग देखेंगे और इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। तो ये कहने का मतलब है, देखिएगा यहाँ पर ताप में वृद्धि हो गई, राइट। तो ताप में परिवर्तन के आधार पर दो तरह की अपक्रियाएं होती है, एक होती है ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया और दूसरी जो होती है ऊष्मा शोषी अपक्रिया, राइट। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया, तो हम लोग आज देखेंगे इन सारी बहुत सारी और भी अपक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, देखेंगे यहाँ पर रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, राइट। क्या देखेंगे, रासायनिक रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो यहाँ पर कुछ प्रकार की कुछ रासायनिक अपक्रियाएं हैं, जैसे कि पहला नंबर है संयोजन अपक्रिया। हम लोग क्या देखेंगे, संयोजन अपक्रिया। इसी तरह से और दूसरे है जो वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। अगला है यहाँ पर देखें, हम लोग देखेंगे विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, राइट। अगला देखेंगे हम लोग द्वि विस्थापन अपक्रिया, द्वि विस्थापन अपक्रिया, द्वि विस्थापन अपक्रिया। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे उपचयन, जिसको हम लोग बोलते हैं उपचयन तथा अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन भी बोलते हैं, उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग, दोनों अपक्रियाओं को मिलाकर बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। तो हम लोग ये सारी अपक्रियाएं देखेंगे, राइट। तो ये प्रकार तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग संयोजन अपक्रिया, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर संयोजन अपक्रिया, यहाँ पर नाम से ही पता चला संयोग होना। संयोग का मतलब है कि दो या जब कोई, संयोग का मतलब होता है जोड़ना, कोई दो या दो से अधिक चीज़ें क्या हो, जुड़ करके एक बनाएं, तो उन्हें हम बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। तो देखिएगा ऐसी अपक्रियाएं जिनमें दो तत्व या यौगिक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस तरह की अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं, संयोजन अपक्रियाएं, राइट। देखिएगा यहाँ पर क्या है कि देखिएगा वे अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, करते हैं, तो किस तरह की अपक्रियाएं कहलाती है, संयोजन अपक्रिया, राइट। तो ऐसी अपक्रियाएं कुछ होती हैं जिनमें क्या हो, दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करते हों और क्रिया करने पर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हों, तो इस तरह की अपक्रियाएं हम बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। ये भी हमारा रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है, राइट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, देखते हैं संयोजन अपक्रियाओं की। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन गैस की जब हम क्लोरीन गैस से कराते हैं और कराने पर यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मैं यहाँ पर लिखते भी जा रहा हूँ, यहाँ पर इसका जो नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। इसी इसका नाम यह है हमारा हाइड्रोजन गैस है, और जितनी भी हाइड्रोजन गैस होती हैं दो ही परमाणुविक होती हैं, मतलब दो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, और भी हैं, फ्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दो ही परमाणुविक होते हैं, दो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, राइट। तो ये हमारी हाइड्रोजन गैस है और ये हमारी कौन सी गैस है, क्लोरीन, राइट। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है।
तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ दो पदार्थ हैं, क्रिया कर रहे हैं और करने पर एक नया पदार्थ बन रहा है, और नया पदार्थ के गुण भी क्या है, अलग, हाइड्रोजन क्लोराइड है और इसके गुण इन दोनों से अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। लेकिन ये किस तरह की अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि संयोग हो रहा है, दो पदार्थ क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर क्या बन रहा है, एक ही पदार्थ बन रहा है। तो इस तरह से हमारे क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, कुछ बैलेंस भी करना होता है अभिक्रिया को, तो बैलेंस कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पर। अच्छा, जो पदार्थ क्रिया करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अपकारक पदार्थ। तो क्रिया करने वाले कौन कौन है, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा कौन है, क्लोरीन। तो इनको हम लोग बोलते हैं अभिकारक पदार्थ, क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो अपकारक होते हैं वो एरो के बाईं ओर लिखे जाते हैं, और क्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनते हैं उनको दाईं ओर लिखते हैं एरो के, और उन्हें हम बोलते हैं उत्पाद, क्या बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उत्पाद है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या है कि बैलेंस का मतलब है कि अपकारक के साइड जितने भी परमाणु हैं उत्पाद के बराबर होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे बराबर करें, जैसे कि यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, तो यहाँ भी दो होने चाहिए हाइड्रोजन के, राइट। तो दो करने के लिए देखेंगे, यहाँ पर दो करने के लिए मुझे दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, तभी दो होंगे। जब हमने यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई किया तो दो तो हाइड्रोजन हो गए, लेकिन इसके साथ साथ दो क्लोरीन भी हो गए। तो चेक करना क्या यहाँ पर दो क्लोरीन है, यार यहाँ भी हमारे दो क्लोरीन के परमाणु हैं। तो इस तरह से ये हमारी क्या है, एक बैलेंस रासायनिक अभिक्रिया, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने जैसे सी एल बना दिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो बना है फॉर्मूला, मैंने वीडियो एक बनाया है, अगर नहीं देखा हो कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, राइट। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, कार्बन को हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन में, जब जलाएंगे तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी हमारा क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का, क्योंकि यहाँ पर दो पदार्थ हैं और यहाँ पर क्रिया होने पर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये संयोग हो रहा है, जुड़ रहे हैं, जुड़ करके एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमारे जो हैं किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे संयोजन अभिक्रिया के, राइट। इसके नाम की बात करें तो ये हमारा कार्बन है, और कार्बन को हम ऑक्सीजन में जला रहे हैं, ये ऑक्सीजन गैस है,